हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब? सब ठीक है ना? अब आए नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग का नाम है चम्मच गोला। कौन कौन अपने बचपन में खाया होगा अभी देखते हैं, और वो चीज को याद करते हो क्या नहीं करते हो कि हम बचपन में चम्मच गोला खाते थे कि नहीं खाते थे। मेरे साथ मेरा दोस्त रियाज है और साथ में जकी भाई है, और ये हमारे बड़े लड्डू भाई है। लड्डू भाई का नमाज का टाइम हो गया, लड्डू भाई जा रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ चम्मच गोला। ये हमारे मनोज भाई चम्मच गोला वाले भैया, ये चम्मच गोला बनाते रहते हमेशा भैया। अब ये क्या बना रहा मनोज भाई? हाँ चाइनीज भजिया। और क्या क्या तेरे पास? हाँ और गोला है। गोला तो बना एक चम्मच गोला। एक चम्मच गोला तो बना अच्छा वाला। ये हमारे भाई मनोज भाई चम्मच गोला बनाते हुए अभी बहुत जबरदस्त बना। अभी ये देखो इधर चालू है सब काम धंधे का शॉट। ये हमारे अधिक मामू है और ये गप्पे भाई है, और सब हमारे यहाँ भाईजान है, लेकिन भाईजान की शक्ल नहीं दिखेंगी। हंसते थे ना। बनाया भाई चम्मच गोला? अरे बोल के गए तो कैसा टाइम लगेगा, हमको तो लाना ही था। अभी बर्फ डाला इसने, अब गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। निकला देखो नीचे से बर्फ जब मच। क्या गोला निकला कि क्या निकला? हाँ भाई कितना चम्मच मिलेगा? क्या बात है यार, बहुत एकदम सस्ते में दे रहा है मनोज भाई। ये ले मनोज भाई। मनोज भाई चम्मच गोला बना दिए, अब खाने का मालूम पड़ेगा। ये हमारे शेखर अन्ना भी आए ले नीचे सैंड में, नीचे सैंड में। ये हमारे शेखर अन्ना भी आए बच्चों को लेके चम्मच गोला खाने। ये चम्मच गोला यहाँ का वो ज्यादा फेमस है मनोज भाई चम्मच गोला वाले। आएगा देखिए मैं चम्मच गोला लेके आ चुका हूँ। मैं ये चम्मच गोला मेरे भाई को दूंगा, रियाज भाई को। अब रियाज भाई थैंक यू सो मच। अभी रियाज भाई चम्मच गोला खा के अपनी फीलिंग के बारे में बताएंगे। बचपन में मतलब कैसी फीलिंग थी? अभी भी वैसी फीलिंग है कि नहीं है? सुपर है चम्मच गोला। जैसे बचपन में आते थे सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में थे, स्कूल के पास चम्मच गोला वाला आता था, सेम लिखो लेते। क्या बात है यार। और सब कुछ है। क्या बात है। और ओ भाई इतनी याद ताजा हो गई बचपन की। याद ताजा हो गई तो रियाज भाई के साथ बोलोगे, बचपन की याद ताजा हो गई है। और इतना सस्ता है चम्मच गोला, 10 रुपए में उन्होंने पूरा गिलास बड़ा भर के दे दिया। अगर यही चीज अपन जू चौपाटी में खाने जाते तो बाप रे बाप। जू चौपाटी काले घंटे को फिर कर दिया ये 10 रुपए माशा अल्लाह। तो ये चीज अपन जू चौपाटी में खाते तो अपनी जेब थोड़ी ढीली हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर हर चीज का प्राइस इतना ज्यादा है। अब यही वही चीज अपने को हमारे एरिया में मिल रही है तो क्या बात है यार, बहुत जबरदस्त अमेजिंग है। और जगी भाई कुछ चम्मच गोले के बारे में कुछ बोलेंगे? अरे बाप रे बाप, लेकिन तुम्हारी तो दाढ़ी निकल गई ना अभी भी। तुम दाढ़ी निकल गई तो क्या हुआ? बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो हकीकत है भाई। लेकिन जो चम्मच गोले का एक्सपीरियंस है उसका उसको बता। उसका तो मेरे को बचपन से फीलिंग था, अभी भी क्या बात है। क्या बात है। टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट के बारे में बताओ, जो बचपन में जो खाते थे उसके बारे में बताओ। जैसा इनको टेस्ट लगा वैसे मेरे को लगा। क्या बात है, बात है बहुत जबरदस्त। क्या बात है। ये हमारी दादी आ रही है। दादी चम्मच गोला का क्या हिसाब किताब है बताइए इधर। अरे बताओ ना कहाँ जा रहे हो, ये गुस्सा होकर जा रहे। जैसा कि मैं बता रहा था चम्मच गोला, चम्मच गोले की फीलिंग कुछ और रहती है। वो जब छोटे थे तो अम्मी से 1-1 रुपया 2-2 रुपया लेकर डायरेक्ट चम्मच गोले के दुकान में भागते थे। ला भाई गोला दे, नींबू पानी दे, नींबू शरबत दे, गोला दे, चम्मच गोला दे। वो कभी ऑरेंज कलर डालता, कभी रेड कलर डालता, कभी व्हाइट कलर डालता, कभी ब्लैक कलर डालता, तो और ऊपर से शहद डालता। ओ हो
लबरेज, वो खाने में का मजा ही कुछ और रहता है। तो बचपन की जो याद है ना वो ताज़ा होती है। अब उसको जब बेजी में जब काम पे आया, बस बैठा ऑफिस में, मैं देखा वो चम्मच गुलाब वाला खड़ा है, तो उसको देख के ना तो पुरानी याद ताज़ा होने शुरू हो गई। इसकी वजह से बोले पहली फुर्सत में उसका भागा के चम्मच गुलाब लूंगा, और चम्मच गुलाब लिया, सेम टेस्ट है जैसा मेरे रियाज भाई ने बताया कि टेस्ट में जरा फर्क नहीं, टेस्ट वैसी है, लेकिन अभी भी उतने पैसे में अपन चम्मच गुलाब खा सकते हैं। दस रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी हाँ जिसके पास नहीं रहते उसके लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक नॉर्मल के हिसाब से जो जिंदगी चल रही है ना, वो इस हिसाब से 10 रुपया कुछ नहीं है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त चीज़ है चम्मच गुलाब। कभी भी ना कहीं जाओगे तो कभी चम्मच गुलाब वाला दिखेगा तो जरूर खाना, उसका टेस्ट देखना। और सभी दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, आपकी सपोर्ट की जरूरत है हमें। ओके बाय।